हेलो दोस्तों, जय हिंद। वो है सामान्य ज्ञान, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लूसेंट का बुक है और इसी को सॉल्व कराने वाले हैं। मतलब कि इसमें ऐसा दिया है, क्वेश्चन टाइप का नहीं दिया गया है। इसमें डायरेक्ट मतलब कि किताब जैसे होता है ना बुक, वैसे हो तो पूरा छापा गया है और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि स्टार्टिंग से इसमें इतिहास दिया गया है, भूगोल दिया गया है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, उसके बाद भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभिन्न दिया गया है, खेलकूद, कंप्यूटर इत्यादि, मतलब सारा कुछ इसमें दिया गया है। और जीके का ये सामान्य ज्ञान आप देख सकते हैं लूसेंट का है। और किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल का चीज मतलब कि जितना है सब कुछ दे ही दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि इसमें जैसे पढ़ाएंगे ना मतलब कि आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, मतलब कुछ अलग टाइप से बताने वाले हैं आपको, ताकि आपको क्लास में का याद होते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी अपना कॉपी पेन ले लीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ आप लोग कहिएगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। सो प्लीज टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाइएगा और स्टार्ट करते हैं। इतिहास थोड़ा सा मैनेज करिएगा और बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको इसमें दिया गया है, मैं पढ़ के पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस करते हैं। इसमें उसके बाद दिया गया है भारत का इतिहास, तो दिया गया है इसका इंग्लिश आप लोग को पता होगा हिस्ट्री। और उसके बाद दिया गया है इतिहास में कहाँ का इतिहास, भारत का इतिहास। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का इतिहास। तो इसमें दिया गया उत्तर में, देखिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मतलब कि आपका उत्तर, मान लीजिए सपोज डेट ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर में हिमालय है, मान लीजिए अगर आप बनाना चाहे तो ऐसे करके ऐसे ये मान लीजिए पहाड़ टाइप का बन जाता है, मतलब ऐसा बन नहीं पाया, तो ये समझ लीजिए ये उत्तर में हिमालय है आपका। ओके, और दक्षिण में है समुद्र तक फैला क्या है उपमहाद्वीप, किसके नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ताकि समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप क्या है, यह उपमहाद्वीप ये इधर दक्षिण मान लीजिए, ये इधर दक्षिण और उत्तर में हिमालय, ये डायरेक्ट आपको याद होते चलेगा इसलिए ऐसे बता रहे हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है समुद्र तक फैला दक्षिण में उपमहाद्वीप क्या कहलाता है, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। तो आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ओके, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिया गया है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। मतलब तो इसको महाकाव्य और पुराणों में, पुराण के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, इसमें डिटेल में दिया गया है पुराण कितने होते हैं, क्या क्या दिया गया है, मतलब पुराण के बारे में अच्छा तरीके से दिया गया है। तो इसको महाकाव्य में और क्या बोलते हैं, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आप इसको मिटा देता हूं। ओके, महाकाव्यों में, महाकाव्यों तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसे, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, सो वहां पे जरूर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दिया क्या गया है भारतवर्ष अर्थात, और भारतवर्ष का मतलब ही होता है भारत का देश। ओके, और यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता है, भारतीय, मतलब कि भारतवर्ष का मतलब है भारत का देश, भारतवर्ष का मतलब है भारत का देश। और इसका यहाँ के निवासियों को, जो भी भारतवर्ष में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया भी कब आया उसको भी, मतलब इंडिया नाम कब आया वो भी बताने वाला हूँ। तो भारत का देश मतलब कि क्या, यहाँ के और यहाँ के निवासियों को क्या कहेंगे, भारतीय कहेंगे क्या। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपने देख लिया होगा। तो और भारतवर्ष में जो भी रहते हैं तो यहाँ के निवासियों को क्या कहेंगे, निवासियों को क्या कहेंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए, भारती कहेंगे, मतलब कहते हैं भारती। यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया, भारती कहा गया अर्थात
भारत की संतान कहा गया। भारती का मतलब क्या होता है, अर्थात अगर इसका मीनिंग में जाए भारती का मतलब, तो भारत की संतान। और संतान आपको पता है क्या होगा, संतान मतलब पुत्र, जो भी आप समझ लीजिए, सॉरी यहाँ के भारत का, भारती का मतलब हुआ भारत की संतान हो गया। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। और जो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और बाकी भारत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को क्या कहा, जैसे मैंने बताया था इंडिया, इंडिया भी नाम है आपको पता होगा, तो यूनानियों ने, जो यूनानी आए थे उन्होंने क्या कहा भारत को, उन्होंने यूनानियों ने भारत को नहीं आए थे उन्होंने इंडिया से संबोधित किया। और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए थे, मतलब मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने किसके नाम से उन्होंने बोला, तो उन्होंने बताया मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा, हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से, क्या कहा, हिंद या फिर आप हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, नाम से संबोधित किया। उसके बाद डिस्कस दिया, तो ये तो हो गया भारत का एक बार किया। तो ये कुछ भारत के इतिहास के बारे में डिटेल था। अब स्टार्ट करते हैं भारत के इतिहास से, प्राचीन भारत से। ओके, वैसे प्राचीन भारत से पहले आगे डिस्कस कर लेता हूं। भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए, मतलब कि अध्ययन की सुविधा के लिए इसको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन भागों में। जस्ट वेट, मैं लिख देता हूं। आपको जो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहां पे, नंबर है हमारा 7563830146, इस पे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, यहाँ पे आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी या फिर जॉब वगैरह अपडेट के रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ओके, तो आपने नंबर नोट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ भारत के जो इतिहास था इसको अध्ययन के लिए, मतलब कि अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बटा गया, तीन भागों में। ओके, तो इसको मान लीजिए भारत के इतिहास को मैं तीन भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो एक है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, और दोनों पे आपका लिख लीजिए मध्यकालीन भारत, उसके बाद थर्ड नंबर पे आधुनिक भारत। थोड़ा सा लिखने का, बहुत दिनों से बोर्ड पे पहली बार आया हूँ, मतलब कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ, सो थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब ये आप लोग समझिएगा। उसके बाद अब मैं डिस्कस क्या करूंगा, ये आपने देख लिया भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। फिर से एक बार आप कहिएगा तो लास्ट में मैं इसको रिवाइंड करूंगा, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, 10 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा इसको प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत में अगर हम डिस्कस करें तो इसके, ये अभी मिटा देते हैं और प्राचीन भारत को ही डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं मिटा देता हूं, प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे इतिहास में, प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ओके, इसमें दिया गया है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। इसको प्राचीन भारत के अगर बारे में जानना है तो इसको मुख्यतः चार स्रोतों से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, कितने स्रोतों से, चार स्रोतों से जानकारी मिलेगी। हाँ, फर्स्ट आपका क्या है, धर्म ग्रंथ, और सेकंड पे आपका दिया गया है क्या है, सेकंड पे आप नोट करते, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपका, मैं मुझे पता है, बट मैनेज करिए। धर्म ग्रंथ सेकंड पे है, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और थर्ड पे आपका जो दिया गया है वो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशियों का विभ्रम। तो यहाँ पे आप नोट करते, विदेशियों का
विवरण, और फोर्थ में आपका जो दिया है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। जितना आज पढ़ाएंगे आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा, और आगे का भी दे देंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य दिया गया है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ओके, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य दिए गए। उसके बाद जो दिए गए ये तो चार हो गए, कौन कौन से, अगर प्राचीन भारत के बारे में समझना है, पढ़ना है, जानकारी लेना है कहीं से भी, मतलब कि मान लीजिए किसी से इस चीज के बारे में जानकारी लेना, मेरे बारे में जानकारी लेना है, तो आप मेरा बारे में मेरे अगल बगल या फिर जो भी जहां से भी आपको लगेगा पता करने के लिए आप पता करेंगे। उसी तरह प्राचीन भारत में है तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए चार स्रोत है जहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्राचीन भारत के बारे में। एक है धर्म ग्रंथ, सेकंड पे है ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशियों का विवरण, और फोर्थ में आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, तो अब मैं डिस्कस क्या करूंगा, उसके बाद मैं अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके, फर्स्ट धर्म ग्रंथ पे, सेकंड पे ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड विदेशियों का विवरण, और फोर्थ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओके, अब मैं लिख देता हूं। अब इसमें दिया गया है धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपका धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों को एक एक मैं बताया है, मैं आपको बताता हूं। ओके, तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है। इसमें दिया गया है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, भारत का सर्व प्राचीन, तो यहाँ से जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कैसे। जैसे दिया गया है भारत का इतिहास, इसमें आपने पढ़ा तो भारत के इतिहास से यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर पूछ देगा यूनानियों ने भारत को क्या कहा, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, तो आप डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, इंडिया। उसी तरह मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को या फिर भारत को क्या कहा, तो आप हिंद या हिंदुस्तान आपका ऑप्शन होगा। उसके उसी तरह आपका दे देगा अगर कि भारत, भारत का देश यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, भारत का जो देश है यहाँ के निवासी जो भी है, जो भी निवासी है इसको क्या कहा जाता है, इनके निवासियों को क्या कहा जाता है, तो इस आपका आंसर होगा भारतीय। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट है, तो आप नोट कर, जैसे मैंने बताया आप नोट करते चलिए। ओके, और उसके बाद दिया गया है प्राचीन भारत से, प्राचीन भारत से तो आपको पूछेगा कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी, अगर विषय में जानकारी प्राचीन भारत इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेना है, तो आप किस किस चीज से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा चार ऑप्शन, मतलब कि चार दिया है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और विदेशियों का विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये चार चीजों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप डायरेक्ट बोलेगा वेद, क्या बोलेगा आपका आंसर होगा वेद। वेद के रचयिता कौन है, तो आप संकलन करता या बोलिए या फिर जो भी बोलिए, आप उसके लेखक बोल सकते हैं, रचयिता बोल सकते हैं, जो भी आप समझने के लिए। ओके, तो आप इसको आंसर क्या होगा, महर्षि कृष्ण देवप्याल वेदव्यास इनका आंसर हो जाएगा। ओके, भारत का, तो आप नोट करिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछेगा भारत का सर्व प्राचीन क्या है, मतलब कि धर्म ग्रंथ कौन सा है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, यहाँ इधर आपको लिखा कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा वेद, क्या हो जाएगा वेद। अब पूछ देगा आपसे वेद के रचयिता कौन है, रचयिता कहिए, रचयिता कह लीजिए, संकलन कर, ये रह है, सॉरी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा,
रचयिता का ये संकलनकर्ता कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? महर्षि कृष्ण देवप्याल वेदव्यास को माना जाता है इसके रचयिता। ओके, महर्षि कृष्ण देवप्याल। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कल आगे इसके अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको आपको जैसा भी मतलब कि जैसा भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा मतलब कि टेक्निक है, मतलब कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम आपको और भी इम्प्रूव कर सके। ओके, और आगे कल डिस्कस करेंगे। और इतना पढ़ा दिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सो प्लीज टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और व्हाट्सएप का नंबर डायरेक्ट मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7563830146। यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करिएगा, 100% यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा डिफेंस के रिगार्डिंग, जो भी आपका क्वेश्चन आस्क है, फिर अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग वगैरह भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।